जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रश्नावली आपकी क्लास 10 की द्विघात समीकरण की 1.4.4 प्रश्नावली है। उसमें हम मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें जैसे कि आपका जो पहला सवाल है वो कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे आपका पहला ही प्रश्न दिया है, ये आपका पहला प्रश्न है 2x²-3x+5=0। देखिए ये सब देखने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम मूल की प्रकृति को किस प्रकार से पहचानते हैं। हमने पहले द्विघाती सूत्र पढ़ा है, एकता जो द्विघाती सूत्र है वो इस प्रकार से है, x = -b + √b² - 4ac/2a। हमें इसमें एक भाग को देखना है, इस भाग को, इसको बोलते हैं विभक्तिकरण या इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको डी से लिखते हैं। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जानते हैं और इसको हम डी के द्वारा लिखते हैं और हिंदी में इसको विभक्तिकरण कहते हैं। ये अपने को देखना है b² - 4ac, ये चीज इसका मान हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पर यहाँ से समीकरण से हमें ए बी सी का मान हमें ज्ञात होना चाहिए। यहाँ से समीकरण देखते हैं तो a = कितना है अपने पास, 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। b = कितना है, -3 है, ये -3 हो गया और c = कितना है, 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ए बी सी तो ये हो गया, लेकिन पहले हमें ये स्थिति मालूम होनी चाहिए कि इनके मूल वास्तविक होंगे, भिन्न होंगे या समान होंगे। उसके लिए हमारे पास जो ये डिस्क्रिमिनेंट है उसके बारे में इस प्रकार से है, करें डी का मान d² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, इसका मान अगर 0 से ज्यादा आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा है तो हम कहेंगे इसके मूल वास्तविक वह भिन्न होंगे, ठीक है, यानी मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दो मूल कितने आएंगे, द्विघात समीकरण अपने पास तो मूल कितना आना चाहिए, दो आएंगे अपने पास। यहाँ पर देखिए इसका मान 0 से ज्यादा आ गया, इसका दो तो होंगे ही है, लेकिन दोनों ही अलग अलग होंगे। एक दूसरी स्थिति यह बनती है, पहली स्थिति यह होगी, दूसरी स्थिति यह बनती है कि d²-4ac = 0 आता है, बराबर 0 आता है, तब अपने पास स्थिति बनती है इसके जो मूल होंगे तो वास्तविक वह समान होंगे। इसके अलावा जैसे कि तीसरी कंडीशन यह बनती है, इसका जो मान अपना वो है अपना b²-4ac < 0, यानी कि ये जो संख्या है इसका मान माइनस में आ जाता है, माइनस के पूर्णांक में आ जाता है, जैसे -5 आ गया, -10 आ गया, तब हम कहेंगे इसके मूल काल्पनिक होंगे और हमें आगे मूल ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी और मूल हमें ज्ञात नहीं करने। अब हम इस सवाल की बात करते हैं जिसमें हम b²-4ac ज्ञात करते हैं, b² - 4ac, बी कितना है, यहाँ पे माइनस के 3 हमने यहाँ ज्ञात किया है, तो whole² - 4 * a अपने पास 2 है * c आपका 5, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखते हैं इसका वर्ग माइनस 3 का वर्ग कितना होता है, -3 का वर्ग कितना होता है, 9 होगा, माइनस कोई सी भी संख्या है उसका वर्ग है हमेशा वो धन राशि आएगी, धन में आएगा,
क्योंकि माइनस गुणा माइनस ले तो भाई का मतलब क्या, दो बार गुणा होता है, माइनस तीन गुणा माइनस तीन अपने पास नौ हो गए, ये माइनस आठ ठीक है, अपने पास क्या हो गया माइनस के इकतीस, क्या आया माइनस के इकतीस आ गए, ठीक है। अब माइनस के इकतीस आए तो अपने पास देखिए इन कंडीशन में देखना है, अरे बड़ा है क्या, नहीं है तो उसके मूल ये भी नहीं है, बराबर जीरो का है क्या, नहीं है। अब तीसरी कंडीशन अपने पास क्या, ये जीरो से छोटा है, क्या है जीरो से छोटा, मैंने बताया था माइनस दस आया, ये माइनस में आ गया। तो हम यहाँ लिखते हैं बी लेस देन जीरो, बी जीरो से छोटा है तो इसके मूल काल्पनिक होंगे। चौथी प्रश्नावली का जो पहले का दूसरा सवाल है, ये तीन एक्स स्क्वायर माइनस चार अंडर रूट तीन एक्स प्लस चार बराबर जीरो। अब इसमें हमें पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करनी है, फिर मूल ज्ञात करने हैं। पहले इसमें ए बराबर अपने पास तीन है, बी बराबर कितने अपने पास माइनस के चार अंडर रूट तीन, और सी बराबर अपने पास कितने है चार। अब अपने को निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर बी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये क्या करना है। अब बी स्क्वायर बी कितना है माइनस के चार अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक, ए का मान कितना है तीन है, सी का मान कितना है चार, ये लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम माइनस है, लेकिन इस माइनस का हम वर्ग करते हैं तो चिन्ह हमेशा क्या आता है प्लस का आता है, कितना आता है प्लस का ही चिन्ह आएगा। तो अपने पास यहाँ पर देखिए हम इसको वर्ग करते हैं तो ये अपने पास चार गुणा चार इंटू रूट तीन इंटू रूट तीन हो जाएगा, होल स्क्वायर नहीं है इसलिए दो बार, और माइनस। अब हम इसको गुणा करते हैं चार की बारह बारह चौके अड़तालीस, ये अड़तालीस, और इसको हम गुणा करेंगे चार सौ सोलह, ठीक है, चार को चार सौ गुणा कितना हो गया सोलह हो गए। अब अपने पास रूट तीन और रूट तीन को गुणा करना है, कितना आएंगे बेटा रूट तीन और रूट तीन को गुणा करेंगे कितना आपने, देखो मैं इधर आपको बताता हूँ इसमें किस प्रकार से गुणा करना है, आप उसे अच्छी तरह देखना, रूट तीन गुणा रूट तीन इस चीज को देखना, रूट जहां लगा है उसका मतलब घात होती है एक बटा दो, इसको हम लिखते हैं एक बटा दो इंटू तीन की घात एक बटा दो। रूट का मतलब होता है कोई भी जो संख्या अंदर है उसकी घात एक बटा दो। हमने घातांक में क्या पढ़ा कि जब आधार समान होते हैं, आधार समान होते हैं घाते क्या होती है जुड़ती है, यहाँ आधार था तीन तीन है ना, तीन घाते जुड़ जाएगी अपने एक बटा दो एक बटा दो घाते जुड़ जाएगी ना, ये एक बटा दो एक बटा दो। अब जैसे कि हम इसमें लघुत्व ले लेते हैं तो कितना आएगा लघुत्व, दो आएगा, एक प्लस एक बराबर तीन की घात दो बटा दो, एक बटा एक दो गया ना, दो बटा दो गया, दो से दो कट जाएगा, तीन की घात कितना रहेगा एक, इसको हम क्या लिखते हैं तीन। इसलिए हमेशा ध्यान रखना जब रूट की कोई भी संख्या है उसको उसी से गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमेशा वही संख्या बाहर निकल कर आएगी। रूट तीन को गुणा करेंगे रूट तीन से तो तीन ही आएगा, रूट पांच को गुणा करेंगे तो रूट पांच ही आएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास माइनस के अड़तालीस और ये भी अड़तालीस छोड़ती है अड़तालीस, हाँ अड़चार बोलते हैं लेकिन अड़तालीस सही शब्द है, सही शब्द अड़तालीस बोलते हैं, अड़चास हम बोलते हैं वो गलत है, अपना अड़तालीस ही बोलिए आज के बाद। अब अपने पास क्या है, ये डीका मान जीरो आ गया, डीका मान जीरो है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसके मूल वास्तविक और
समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे। कि अगर इसके मूल है तो मूल भी ज्ञात कीजिए, अगर इसके मूल है तो मूल भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए हमारा द्विघात सूत्र जो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये सूत्र है ना, ये तो हमने ज्ञात किया। कितना आया आपके पास? जीरो आया ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बराबर माइनस बी, बी का मान कितना है, माइनस के चार अंडर रूट बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बटा टू इंटू थ्री, ठीक है, दो इंटू तीन है ना, ये का मान कितना तीन आपके पास, ठीक है, समझ में आ रहा। अब इसके बाद देखिए आपके पास ये चूंकि अंडर रूट से जीरो है तो पूरा खत्म हो जाएगा। अपने पास यहाँ क्या बचेगा, एक्स बराबर माइनस और माइनस पूरा होगा प्लस हो गया ना, चार अंडर रूट तीन बटा दो इंटू तीन, ठीक है। अब आपके पास देखिए एक दो इंटू दो चार, ठीक है, अपने पास उसमें क्या गया, दो अंडर रूट तीन बटा तीन, ये है आपका मूल। अब इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं, कैसे, इसको हम रूप परिमेयीकरण कर लेते हैं, अगर दो रूट तीन बटा तीन, इसका परिमेयीकरण का मतलब नीचे जो समान संख्या से इस रूट वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है, गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा अपने पास रूट तीन गुणा में कितना रहेगा, तीन बटा तीन अंडर रूट तीन, तीन से तीन कट गया, एक्स बराबर अपने पास क्या है, दो बटा अंडर रूट तीन। अब चूंकि इसने क्या कहा कि यहाँ पर डी बराबर जीरो, हमने पहले देखा कि जब मूल वास्तविक डी बराबर जीरो आता है तब मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, तो दोनों ही मूल अपने क्या लिखेंगे, दो बटा अंडर रूट तीन। इस प्रकार से हम डी बराबर जीरो आ जाता है तो उसके मूल इस प्रकार से जो पहला आया है उसी को एक बार वापस लिख देते हैं, वही अपने दोनों ही मूल हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ सकते हैं आप। इसी प्रश्न में पहले का तीसरा सवाल है, हमने अभी दो तरह के सवाल किए जिसमें एक में मूल काल्पनिक थे और एक में मूल वास्तविक थे लेकिन समान थे, डी का मान जीरो आया था। अब एक स्थिति ये भी है कि जब डी का मान हम ज्ञात करते हैं वो जीरो से बड़ा हो तब किस प्रकार से हम मूल ज्ञात करते हैं उसी के बारे में हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या, देखिए ये सवाल दे दिया है, इस सवाल में हमें पहले ए बराबर कितना है वो लिखना है, यहाँ पे ए बराबर कितना है, दो है, बी बराबर कितना है, माइनस छह, और सी बराबर तीन है, ये लिख लिया। अब हमें पहले ज्ञात करना है इसका विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेंट, डी ज्ञात करते हैं और डी ज्ञात आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखिए आप पहले चार इस प्रकार से लिखा करते थे, लेकिन ये गलत है, सही चार लिखने का तरीका ये है, बंद चार ही आजकल मान्य है, आप खुले चार लिखते हैं तो नहीं लिखे। अब अपने पास यहाँ पर बी माइनस के छ का होल स्क्वायर माइनस चार इंटू ए कितना है, दो है, सी कितना है, तीन है, ठीक है ना। अब अपने पास यहाँ पर छह का माइनस छह का वर्ग करना है, कितना आएगा माइनस छह का वर्ग, छत्तीस, बहुत बढ़िया, ये छत्तीस आ गया और ये माइनस है, ये माइनस लिख दिया। अब ये अपने पास चार लोगों को गुणा करेंगे, आठ, आठ को तीन से गुणा करेंगे चौबीस, ठीक है ना, ये चौबीस आ गया। अब हमें इसमें से घटाना है, छत्तीस में से चौबीस घटाएंगे, बारह आते हैं, बहुत बढ़िया, ये बारह है। अब ये जो बारह आए अपने पास वो क्या है, जीरो से बड़े है ना, डी का मान जीरो से बड़ा है, ये बड़ा है जीरो से, इसका मतलब इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। पहली जो कंडीशन लिखी थी, डी का मान
अगर जीरो से बड़ा एक दो तीन चार पाँच अनंत तक कुछ भी मान, यहाँ अपने पास 12 है तो अपने पास अब हमें इसके मूल ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने के लिए विभिन्न का जो आपका द्विघात की सूत्र है उसका उपयोग करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं एक्स बराबर माइनस बी, बी का बार अपने पास क्या है माइनस है प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये हमें पहले ज्ञात कर बराबर जी 12 ना, यहाँ पे बराबर 12 लिखेंगे बटा 2 इंटू ए, ए का मान कितना है 2 आया हुआ है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब अपने पास देखिए एक्स बराबर ये माइनस और माइनस है, सबसे बड़ी गलती करते हैं आप लोग वो यहाँ पर कर लेते हैं चिन्ह का गुणा करते हैं तब माइनस यानी समान चिन्ह जब गुणा होंगे तो हमेशा प्लस ही आएगा, विपरीत चिन्ह गुणा होंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, तो प्लस को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, छह लिखेंगे प्लस माइनस अंडर द रूट 12 बटा 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको रूट 12 है इसके अंदर गुणनखंड करते हैं तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और छोटा बन गया इसमें 2 बार आ गया अंडर रूट 3 रहेगा। ठीक है, 12 का गुणनखंड किया मैंने 2 × 2 × 3 2 × 4 = 12। ठीक है, 12 में जब 2 का एक जोड़ा बन गया और वर्गमूल इसमें से एक जोड़ा बनता है तो 12 रहता है, इस 2 में से एक 12 आ गया 2√3 रह गया, तो हम इसको क्या लिखते हैं x बराबर 6 प्लस माइनस 2√3 बटा 4। अब हम क्या करते हैं इन दोनों में से ऊपर अंश की बात कर रहे हैं, इसमें से भी 2 बार लेते हैं और इसमें से भी 2 बार ले लेते हैं, तो इसमें से अगर मैं 2 बार लेता हूँ तो अपने पास यहाँ कितना बचेगा 6 के टुकड़े करें 2 × 3 6 के क्या करेंगे 2 × 3 इस प्रकार से लिखेंगे 2 × 3। ठीक है, इसमें से 2 बार आया तो कितना बचेंगे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 4। ठीक है, अपने पास 2 × 2 × 2 = 4। ठीक है, एक्स बराबर अपने पास क्या आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 2, ये आ गया अपने पास। अब देखिए अपने पास ये एक्स का मान ये आ तो गया है लेकिन हमें मूल कितने चाहिए, 2 चाहिए ना, द्विघात समीकरण तो 2 चाहिए, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक बार प्लस का चिन्ह लेते हैं एक बार माइनस का चिन्ह ले लेते हैं। ये आपका यहाँ पे देखिए अंदर प्लस और माइनस दोनों ही है, तो एक्स का मान हम क्या लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 3 बटा 2 और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। इस प्रकार से अपने 2 मूल हो गए और दोनों ही भिन्न है, वास्तविक है और भिन्न भिन्न है, तब जब डी का मान अपना 0 से बड़ा होता है। ठीक है दोस्त,